ये बड़ी खबर, शोभा यात्रा निकालने वालों पर भी केस दर्ज होगा बिना मंजूरी। शोभा यात्रा निकालने पर केस दर्ज होगा, वीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज होगा। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के खिलाफ भी बिना इजाजत बिना मंजूरी शोभा यात्रा निकालने पर केस दर्ज किया जाएगा। तो अब तो कम से कम ये रोना नहीं रहेगा ना शोएब जमाई जी? देखिए हमारा कोई रोना धोना नहीं। ताजिया इस देश में निकलता है ना, ताजिया में लाठी तलवार भांजे जाते हैं ना, तमंचा नहीं लेके जाते हैं। कल जाकर के हिंदू समाज ने तमंचा तो वहाँ पर एक बच्चा लेकर जाते हैं, शेख बताया जा रहा है उसके पास आया कहाँ से? वही तो शोएब जमाई सवाल है, तमंचा उसके पास आया कहाँ से? अरे ताजिया के लिए जा रहा है, ताजिया के लिए प्रशासन की इजाजत होती है भाई, तमंचा लेकर खड़ा है। ताजिया के लिए प्रशासन की इजाजत होती है, आपके बीजेपी के मंत्री चरित्र है इस पूरी दुनिया में, इस शोभा यात्रा का एक एक करके वो समाज विस्फोट करता है, जर्मनी में भी विस्फोट करता है, पूछो तो इमली में विस्फोट करता है, इमली पूछो तो अनार कहेंगे, हर जगह विस्फोट करता है। मैं पूछ रहा हूँ ये लेकिन बड़ी खबर है ना, इस पर तो आप लोगों को थोड़ी संतुष्टि मिली होगी ना। दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने वालों पर ही केस दर्ज कर लिया, बधाई दे रहा हूं। नहीं, ये जो रोना रोया जा रहा है, एक बार एक समुदाय, बस एक लोगों को परेशान किया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये तो निर्दोष है। चित्रा जी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ चर्चा में, आगे बढ़ेंगे। वीएचपी बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि इन लोगों ने बिना इजाजत शोभा यात्रा निकाली थी। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुने। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है, और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें, और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है, और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें, और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया। के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बार बार इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की क्या इस देश में कोशिश की जा रही है कि सिर्फ एक समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है? अब शोएब जमी इसका जवाब देंगे। संगीत रागी जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले हमारे संवाददाता इस वक्त श्रेया चैटर्जी जुड़ चुकी है। श्रेया, वीएचपी बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई है जो खबर मिल रही है। जी हाँ बिल्कुल, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और प्रेम शर्मा जो कि ऑर्गेनाइजर बताया जा रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई ली गई है, उनको कस्टडी में भी लिया गया है, एक अक्यूज को पकड़ा भी गया है। ये पहली कार्रवाई है जो कि शोभा यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स पे ली गई है। बजरंग दल वीएचपी जो कि मुखर्जी जिला प्रमुख है उन के ऊपर ये केस दर्ज कर लिया गया है, और एक जो शख्स है प्रेम शर्मा उनको दिल्ली पुलिस ने अपनी हिफाजत में भी ले ली है। आज ही ये एफआईआर दर्ज हुआ है, और जैसा कि राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने पहले आज तक से बात करते हुए बताया भी थे कि सख्त कार्रवाई ली जाएगी, ठीक उसी तरीके से कार्रवाई ली भी गई है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। कुल कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में श्रेया? देखिए ये गिरफ्तारी लेके कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सुबह तक 23 लोगों की गिरफ्तारी थी, और अभी जो गिरफ्तारी हुई है उससे लेके ये कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हम कह सकते हैं। चले फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी जानकारी श्रेया हमारे संवाददाता देती हुई। शोभा यात्रा के आयोजकों पर यहां पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हो गई है और केस भी दर्ज किया गया है। संगीत जी एक लाइन में, फिर अरविंद जैन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया, ठीक है मान लेते हैं। हाँ। शाहीन बाग जैसा इस देश के दिल्ली शहर में 50 जगह खड़े किए गए थे, वो इजाजत से खड़े हुए थे, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे, उनसे हिंदू भड़क करके क्या तलवारबाजी करने लगे थे? ठीक है, क्या हिंदू आकर के डंडा करने लगे? ठीक है, जरा दिल्ली पुलिस इसका भी तो जवाब दे। दिल्ली पुलिस भी देख रही है
सबको पता है कि शाहीन बाग में पुलिस प्रशासन साथ खड़ी थी, सर बैरिकेड में पुलिस खड़ी थी और सहयोग साथ एक भी किसी पुलिस प्रशासन पे वैसे एक सहयोग और प्रयोग इस रूप में भी जुड़ रहा है कि जिस जगह का अभी नहीं हुआ ये मामला सामने आया है वो 2019 के सीए एनआरसी प्रशासन का है, लोगों से भी जुड़ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या तैयारी पहले से बिहार में। जैन जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के पास जुड़े हुए हैं, अरविंद जैन जी सीधे आपके पास आते हुए प्लीज प्लीज अरविंद जैन जी प्लीज, इतने सीनियर अधिकारी हैं, इतने सीनियर अधिकारी हैं, प्लीज एक बार उनके उनके पास जाने दें। एक सेकेंड शोएब जमाई जी प्लीज। प्रेम शर्मा देशवासियों याद रखना, ये प्रेम शर्मा है दंगाई और साजिश करता। दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है कम से कम ये एक भरोसा पैदा करेगी, क्योंकि शोभा यात्रा के लिए अगर इजाजत नहीं ली गई थी तो ये भी अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है कि इतनी बड़ी तादाद में बिना परमिशन के आपने शोभा यात्रा कैसे निकाली। वहीं दूसरी तरफ कई और दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, तो दिल्ली पुलिस का ये जो एक्शन है वो क्या कहता है अरविंद जैन जी। देखिए पहली बात तो हर थाने में त्योहार रजिस्टर होते हैं, उसमें सब रजिस्टर्ड होता है कि पिछले साल इस मौके पर कौन कौन से त्योहार निकले और उसमें क्या क्या पुलिस बंदोबस्त किया गया। अगर ये शोभा यात्रा पहले नहीं निकली थी और इसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए, ये दिल्ली पुलिस की मैं कमी मानता हूँ। पर इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप मस्जिद के सामने से या कहीं से निकल रहे हैं, अगर आप निकल भी गए जुलूस के रूप में तो आपके ऊपर पथराव किया जाए और बोतलें फेंकी जाएं, बियर की और फायरिंग की जाए। बिल्कुल ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, जो देश का जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा है यूपी में इस बार मुस्लिम्स ने हिंदुओं के त्योहारों में खड़े होकर उनको वेलकम किया है, फूलों की बात की है। तो ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाना चाहिए और जो भी ये बांग्लादेशी रोहिंग्या गलत एलिमेंट्स इन क्षेत्र में ये जो सी ब्लॉक की मस्जिद के आसपास बस गए हैं, इनका पूरा सर्वे होना चाहिए और सर्वे करके जो भी ये तत्व हैं जो कि जो इस हिंसा में शामिल हैं, एज एक्स पुलिस ऑफिसर मेरा ये मत है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दंगाई दंगाई होता है, उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी नजीर बनाई जानी चाहिए जैसे यूपी में बनाई गई एक्स ये सीए वगैरह के दंगे हुए थे, अब उसके बाद से कहीं दंगे नहीं होते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल चल रहा है और कोई इतनी हिमाकत नहीं कर सकता कि कहीं पर कोई दंगा कर दे। नहीं नहीं, आपकी बातों से अरविंद जैन जी, आप चूंकि यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, आप ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे बुलडोजर चला दिए गए, आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी अब बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया है दंगाइयों के खिलाफ? मैं ये नहीं कह सकता, पर मुझे ये लगता है कि देखिए आप एक तरफ तो अतिक्रमण कर रहे हैं, आप एक तरफ बिना परमिशन के आप बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दुकानें खड़ी कर ले रहे हैं, वहीं आप छाती पर मूंग भी दल रहे हैं और आप जो है दंगा भी कर रहे हैं। तो ये जो खरगोन में कार्रवाई हुई मैं इसके बिल्कुल पक्षधर हूँ, यूपी में भी कई जगह इस प्रकार की कार्रवाई हुई है माफियाओं के खिलाफ, क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ, और ये होनी चाहिए, इससे पब्लिक का विश्वास पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार पर बढ़ता है। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती, एक और सवाल का जवाब जल्दी से समय आपसे चाहूंगी। दिल्ली पुलिस के सामने चूंकि मामला यहां पर हिंदू बना मुसलमान और जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अलग अलग नैरेटिव भी अलग अलग पक्षों की ओर से गढ़े जा रहे हैं, चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने किस तरह की देख रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां हैं, पर दिल्ली पुलिस की मैं इस मामले में फेलिंग समझता हूं। देखिए हमारे यहाँ ये एक लेट डाउन प्रोसीजर है कि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है उसको एक बॉक्स फॉर्म में चलाते हैं, आगे पुलिस पीछे दाएं बाएं, और रास्ते में कोई भी अगर धार्मिक स्थल पड़ता है तो वहां पर एक डिप्लॉयमेंट बिल्कुल नेम्ड वहां पे किया जाता है, जिससे कि वहां पर कोई लुम्पेन एलिमेंट वहां नाच गाना ना शुरू कर दें, धार्मिक नारे ना लगाने लगे। अगर वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं था सी ब्लॉक की मस्जिद के बाहर प्रॉपर, और अगर वहां पर इन्होंने कुछ उधमबाजी होने दी, तो ये दिल्ली पुलिस की मैं फेलिंग मानता हूं। इसमें जो है दिल्ली पुलिस की एक ठीक है, वहां पर फोर्स रहना चाहिए था और उनको चाहिए था कि वो ऐसे एलिमेंट्स को तुरंत आगे बढ़ा दें। बिल्कुल, आपको लगता है कि बड़ी चूक दिल्ली पुलिस की ओर से भी? जल्दी से शोएब जमी जी एक लाइन में अपनी बात कीजिए, गौरव भाटिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आए कि बिना इजाजत की इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकली, तो अब से पहले जितने लोग इस शोभा यात्रा के पक्ष में बोल रहे थे इन पर भी कार्रवाई करना चाहिए, इन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। प्लीज थोड़ा आराम से रागिनी नायक जी, आप लगातार सबके बीच में बोल रही थी, ये तरीका ठीक नहीं है मैडम। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, थोड़ा आराम से। बीच में नहीं बोली, मेरी आवाज आपके कानों में ज्यादा गूंजती है क्योंकि मैं आपका पर्दाफाश करती हूँ।
कर लीजिए पर्दाफाश, कर लीजिए पर्दाफाश, क्या पर्दाफाश करेंगी, कर लीजिए, बोल लीजिए आप। शोएब जमाई का समय खराब कर रहे हैं आप, वो पुस्तक भी रखना चाह रहे थे आपने यहाँ पर। मैडम देखिए, ये रोज रोज का ना नहीं चलेगा, ठीक है, ये खुद को पीड़ित बताना नहीं चलेगा। शोएब जमाई अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं गौरव भाटिया जी आपके पास आऊंगी। शोएब जमाई जी, मैं बोल तो रही हूँ ना, महंगाई पर बात करने के लिए क्या बात करेंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बनता है, क्यों नहीं कम करवाते हैं आप लोग वहाँ पर? टॉपिक होगा पूरा, आएंगे आप पश्चिम पर बात करने के लिए, ये गलत बात है। शोएब जमाई एक लाइन में जल्दी से। लेकिन मैं पूरे डीजीपी साहब से पूछना चाहूंगा। नहीं नहीं, उनसे मत पूछिए, आप ये बताइए, दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, और अगर शोभा यात्रा निकल भी गई बिना इजाजत जी, पत्थर इतने बड़े तादाद में कहां से आ गए, ऊपर से बरसाए जा रहे हैं? पहली बात तो जिन्होंने ये शोभा यात्रा निकाली और इसके पीछे जो लोग थे, हाँ, चाहे बीजेपी के लोग थे, बजरंग दल के थे, आरएसएस के थे, पत्थर कहां से आए? नंबर वन पत्थर कहां से और दो ये बुलडोजर की बात जनाइए, पत्थर कहां से आए? करौली में जो राजा राम गुर्जर है, पत्थर कहां से आए? राजा राम गुर्जर है, ये जो राजा राम गुर्जर है, इसके घर बुलडोजर चलेगा तो छाती मत पीटने लगना, पप्पा मेरा घर तोड़ दिया, ऐसा मत बोलना। और बंगाल में दीदी अगर कार्रवाई करेगी, केरल में कार्रवाई होगी, छत्तीसगढ़ में होगी, तो यहाँ से दाल नहीं आए, पत्थर कहां से आए? यहाँ से रोना धोना नहीं चलेगा, क्योंकि बुलडोजर तो आप सब जगह चलेगा, आप बताइए ना, बुलडोजर सारे दंगाइयों पर चलेगा। जो बंगाल में दंगा करते हैं बीजेपी वाले वो भी, और करौली में राजा राम गुर्जर जो बीजेपी मेयर का पति है, जो आप लोगों को सूट करता है, शोएब जमाई सिर्फ वही बातें आप लोग बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पत्थर बड़ी तादाद में कहां से आए, और अगर बिना परमिशन, देखिए अब तो कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ। एक सेकंड सुनिए, दिल्ली मान लीजिए, एक सेकंड शोएब जमाई जी, अगर मान लीजिए बिना इजाजत वहां से शोभा यात्रा गुजर गई, कार्रवाई हो, अभी मामला दर्ज किया गया है, ऊपर से पत्थर बरसाए जाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई है इंडिया में, कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता है, इस तरह की स्थिति बनाई जाएगी। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, चुन चुन कर उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।